दोस्तों, मैंने ये कि स्टील बर्ड का एक हेलमेट ख़रीदा है जो कि राइडर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसकी कुछ डिटेल आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं, प्राइस कितने का है। तो मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 1999 रुपये का इस पर MRP है। मॉडल इसका SB-H17 रोबोट है। बाकी इसमें सीरियल नंबर वगैरह, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सितंबर 2020 की है। और इसका जो मॉडल है वो SBH रोबोट आप देख रहे हैं। चलिए तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है, इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊँगा। बॉक्स को साइड कर देता हूँ, ठीक है। और बात करते हैं इसकी, ये इसके अंदर से हेलमेट निकला है, ठीक है। देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, ये हेलमेट है जो SBH-17, ये देखिए ये निकला है इसके अंदर से। अगर मैं इसको सी करके दिखाऊँ आपको, तो मैं इसके कुछ फीचर्स, प्राइस और के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको, देखिए, ये स्टील बर्ड ISI जो कि 4151 इंडियन स्टैंडर्ड है। जो इंडिया में जितने भी हेलमेट्स बनते हैं वो 4151 के स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही बनते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ डॉट की और EC की, तो खैर वो थोड़े बहुत कॉस्टली भी पड़ते हैं, और लेकिन उनकी उस हिसाब से फिर उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा भी होती है। उनका जो सेल होता है, आउटर सेल, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बना होता है। तो लेकिन ये भी फीचर्स, अगर मैं इसके फ़ीचर्स की और उनके फ़ीचर्स की बात करूँ तो कंपेयर करूँ तो दोनों में सेम है। लेकिन अगर प्राइस की बात करूँ तो इसके प्राइस और उसके प्राइस में बहुत अंतर है, डबल से भी ज़्यादा का अंतर है। तो चलिए मैं इसके फ़ीचर्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले इसका जो वाइज़र है, ये स्ट्रेच रेसिस्टेंट है, जो कि इसमें लिखा भी हुआ है। और इसको अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे आपको, जो आपने हेलमेट लगाया हुआ है, तो हाथ से सिर्फ आपको सिर्फ इस बटन को पुश करना है। जैसे आप इस बटन को पुश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। ये इसमें सही है, कई बार क्या होता है, हम बाइक चला रहे होते हैं और हमें फिर ओपन करना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ इसको एक पुश बटन करना है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसको बंद करना है तो आप इसको बंद करना, फिर आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, ये वैसे नहीं होगा ऑटोमेटिक, को इसको मैनुअली बंद करना पड़ेगा, ये बंद हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे वेंटिलेशन की बात करूँ तो इसमें एक यहाँ पे चिन के पास भी इन्होंने एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। शायद दिख नहीं रहा है मुझे लाइट, शायद आप देख जाए, देखिए चिन के पास थोड़ा सा लाइट का इशू है। चिन के पास इन्होंने वेंटिलेशन दिया है ताकि गर्मी के लिए, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, इसमें यहाँ भी इसमें वेंटिलेशन है, ठीक। और ये देखिए पीछे भी इसमें वेंटिलेशन दिया हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें हेड पे भी इन्होंने हेड वेंटिलेशन भी दिया हुआ है। और टॉप की बात करूं तो टॉप पे भी इसमें यहाँ पर एक पुश बटन है। अगर आप इसको ओपन और सेट करेंगे तो यहाँ ये देखिए, कुछ आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी इसमें वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो ये तो होगी इसके वेंटिलेशन की बात, चिन पे है, पीछे है, ऊपर भी है, हेड पे भी है। अब अच्छा, मैं इसके लॉक की बात करता हूँ तो इसका जो जो ये कपड़ा है, आप इसको, ये रिमूवेबल भी है, आप इसको निकाल के कभी भी पूरा का पूरा वॉश कर सकते हैं, ये वॉशेबल है। और इसमें लॉक दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का लॉक है ये। देखिए मैं इसको आपको
एक्चुअली मैं वीडियो भी एक याद से बना रहा हूँ। इसमें लॉक लॉक भी बहुत अच्छा उसका दिया हुआ है। और दूसरा ये वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ये देखिए ये निकल जाता है, ये निकल गया, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, पूरा का पूरा निकल जाता है बाहर। आप वॉश कर सकते हो इसको, पूरा का पूरा ऐसे करके ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा सारा बाहर निकल जाएगा। इसको लगाना हो वापस, इसको अटैच कर दो, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी इसके ही कंपैरिजन में सेम फीचर्स के साथ अगर मैं डॉट में या इसी में जाता हूँ तो वो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, लगभग 4500 से 5000 के आसपास। तो अगर थोड़ा बजट कम है और चीज़ थोड़ी अच्छी लेनी है तो आप इस मॉडल पर जा सकते हैं। और इसका जो MRP है वो 1999 है, लेकिन मुझे ये मैं 1700 रुपये का लाया हूँ झंडे वाला से। ओके गाइज़।